अच्छे भाग्य हैं कि वो पहले आके मंदिर में बैठ गए हैं और फिर अब इनको हम घर ले जाएंगे, तो मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, घर पे पहुंच गए। और किस तरह से मैं बच्चों की तरह गण को और ईश्वर को लेके आई हूँ मैं घर पे। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पे और मेरे किचन में भी। और सुबह का समय है और काम की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे बन रहे कोरमे के पराठे और साथ में दूध भी गर्म हो रहा है। और साथ ही साथ आज मैंने कुछ सोचा है कि गणगौर का पर्व आने वाला है, तो गणगौर के पर्व पे गणगौर की जो गौर ईश्वर की प्रतिमाएं होती है, तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं लेके आऊं। मेरे पास वो नहीं है तो हम ऐसे ही पन्ना लगा के या मांड के कर लेते थे, लेकिन अब मैं वो लेके आऊंगी। तो ये मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि घर पे लाके और उनको अच्छे से सुंदर सी लेके आऊं। तो आज मैं जा रही हूँ और एक जगह है जोधपुर में ही, वहां पे ये मिलती है, तो मैं आपको भी बताऊंगी कहाँ मिलती है, कैसे कैसे मिलती है। वैसे तो बीकानेर में फेमस है, उदयपुर की भी फेमस है, मोस्टली बीकानेर से लोग मंगवाते हैं। या मेरे भाभी सब भी थे बीकानेर के, तो उनके यहाँ से भी आई थी, तो वो हम जाके वहाँ पे भी पूजा करते थे। तो बीकानेर की और उदयपुर की अच्छी मानी जाती है, लेकिन अब अपने जोधपुर में भी उपलब्ध है वही प्रतिमाएं, वो भी बाहर से ही मंगवाते हैं। और यहाँ पे जो बेचते हैं उसका स्थान जहाँ पे मेन है वो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं मिलती है। तो चलिए फिर अभी थोड़ा बहुत काम काज निपटा लेंगे और फिर चलते हैं और मैं फिर वहां जाके आपको दिखाऊंगी। और वहां पे मैंने सुना है कि बहुत सारी और भी चीजें मिलती है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आज मैं आई हूँ गणगौर की मूर्तियां खरीदने। जैसे कि कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आंटी आप कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मंगाते हैं। वैसे तो बीकानेर की बहुत फेमस है, उदयपुर में भी मिलती है, लेकिन जोधपुर में भी मिलती है। तो आप देख सकते हैं तरह तरह की और अलग अलग साइज की मूर्तियां यहाँ पे पड़ी है गणगौर की। और अभी गणगौर का पर्व आने वाला है, तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। एड्रेस मैं आपको पिन कर दूंगी। और वैसे यहाँ तो लिखा हुआ है गीता प्रेस पुस्तक पूजा सामग्री दुकान नंबर 28, गीता भवन के बिल्कुल पास ही है, बिल्कुल बाहर निकलते ही। तो आप लोग आके और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ खरीद सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के कपड़े यानी मूर्तियों की जो पोशाकें होती है और जो राजपूती है और भी तरह की पहनाना चाहे, अलग अलग तरह के जेवर है उनकी जो, और सारे जो कृष्ण भगवान के, राम के, माता जी के और भी सभी तरह के यहाँ पे जो पोशाकें हैं वो सब उपलब्ध है। तो यहाँ से आप आके ले सकते हैं और मूर्तियाँ आप देख सकते हैं अपनी पसंद की, अपने साइज जो साइज आपको चाहिए छोटा बड़ा उसके अनुसार ले सकते हैं। और सजी हुई भी मिलती है, और यदि आप नहीं चाहे तो बिना सजी के अपने पसंद से ड्रेस वगैरह लेके और उनको सजा के ले सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे इनको दिखा दो भाई, बहुत तरह की सब साइज की पड़ी है, आगे भी है और सबसे बड़ी साइज की भी है। अलग अलग रेट है इनकी, तो वो आप आएंगे तब आपको बता देंगे। और अंदर सारी इनकी तैयार करने की जो सामग्री है, गहने वगैरह, कपड़े वगैरह सब उपलब्ध है, तो आप लोग आके ले सकते हैं। और अभी मैं भी खरीदने आई हूँ तो मैं भी ले रही हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब आपको भव्य बताएगी सारी जो ये मूर्तियाँ हैं किस साइज़ की और किस रेट की है। नमस्कार, मैं हूँ भव्य जोशी दुकान से। अब आप मेरे पास में सब प्राइस की, सब वैरायटी की मेरे पास मूर्तियाँ मिल जाएगी। मेरे पास स्टार्टिंग रेंज है ये है 9 इंच की मूर्ति, लकड़ी की है, बीकानेरी गवर है, और 1000 रुपये से इसमें रेंज स्टार्टिंग है। इसमें आप चाहे जैसी मिलेगी, जैसे कि ये है, अब इसके अंदर आप कंप्लीट कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा जैसी आपको चाहिए वैसी ड्रेस मिल जाएगा, जैसा चाहिए वैसा श्रृंगार मिल जाएगा, कंप्लीट कस्टमाइज हो जाएगा। इसी तरह से ऐसे ले जाइए, जैसे कि ये वाला है, ये इसी रेंज के अंदर मेरे पास में तैयार करा हुआ है। अब इसके अंदर जैसा आपको चाहिए वैसा मिलेगा। इसके बाद में इससे और बड़ी साइज़ मिलेगी, ये वाली है 12 इंच की, उसके बाद में और बड़ी चाहिए और बड़ी मिलेगी। इसमें जैसी वैरायटी चाहिए उसकी कितने की है, जैसे कि हमारे पास में ये रेंज है, ये है 1000 रुपये से स्टार्टिंग है बगैर कपड़े गहने। उसके बाद में आपको कस्टमाइज है कंप्लीट, जैसे कि हमारे पास में 200 से रेंज स्टार्ट है कपड़ों की, उसके बाद में 250 से रेंज स्टार्ट है गहनों की। जैसे कि ये वाला अभी हमारे यहाँ पे तैयार है, ये 1400 रुपये का कंप्लीट तैयार मिल जाएगा। इसके बाद में इससे और आगे जैसे कि ये वाली मूर्ति है, तो ये मेरे पास में है 12 इंच की, ये मिलेगी मेरे पास 1200 रुपये की बगैर कपड़े गहने। अब इसके बाद में आपको सारा कंप्लीट कस्टमाइज है, जैसे ये तैयार है, ये मेरे पास 1500 रुपये में कंप्लीट तैयार है।
इसके बाद में इससे और बड़ी मेरे पास में ये साइज़ आएगा 15 इंच। 15 इंच में मेरे पास में 1350 की मूर्ति मिलेगी। उसके बाद में जैसा आपको चाहिए वैसा कंप्लीट श्रृंगार वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आगे जाते हुए मेरे पास में और बड़ा साइज़ मिल जाएगा, जैसे कि ये है मेरे पास में 18 इंच। 18 इंच की मेरे पास 1350 में मूर्ति है, फिर कंप्लीट कस्टमाइज है। जैसे कि ये मेरे पास में 1800 रुपये में कंप्लीट दोनों का सेट तैयार मिल जाएगा। ये मोतियों में श्रृंगार करा हुआ है। इससे और आगे आते हुए मेरे पास में और वैरायटी मिल जाएगी, जैसे कि इसमें मेरे पास में और वैरायटी में मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे पास में कुंदन वर्क में तैयार है, लहंगा पहना के, साड़ी पहना के, फिर इनके ईश्वर जी, और इसमें और वैरायटी मिल जाएगी मेरे पास। इसमें श्रृंगार में और भी बहुत सारे तरह की वैरायटी मिल जाएंगी। जैसे अगर आप ये वाला लेना चाहें तो ये 3000 रुपये में कंप्लीट तैयार है दोनों। इससे और आगे मेरे पास में और बड़ा साइज़ मिलेगा, जैसे कि ये है 18 इंच का मूर्ति। अब इसके अंदर आपका सारा श्रृंगार वगैरह सब कंप्लीट कस्टमाइज होगा। इसी के अंदर जैसे कि आप ये देखेंगे तो ये आएगी मेरे पास में 2200 रुपये की मूर्ति है। और उसके बाद में जैसे इसमें पूरा कंप्लीट तैयार करा हुआ है, गाउन पहना के साड़ी पहनाई हुई है, ये मेरे पास में 3800 रुपये में कंप्लीट तैयार है। इसमें आपको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। इनसे और बड़ी मूर्ति मिल जाएगी मेरे पास में, ये है 24 इंच की। अब इसके बाद आप चाहो जैसा कर सकते हो, ये मेरे पास 3500 रुपये की मूर्ति है। उसके बाद में आप चाहो जैसा कर सकते हो इसको श्रृंगार। तो आप सभी ने देखा, अभी भव्या ने आपको पूरा डिटेल में बता दिया क्या रेट है, किस इंच की है, कैसे श्रृंगार हो जाता है, और वो और भी डिटेल में आप जब शॉप पर आएंगे तब लेंगे तब आपको पता लग जाएगा। आप यहाँ पर आके ले सकते हैं गीता भवन के पास, और दुकान नंबर 28, और यहाँ पर सारी पूजा की सामग्री है और भी देवी देवताओं के कपड़े वगैरह सब मिलते हैं, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो चलिए फिर मैं भी ले लेती हूँ। तो मैंने भी मूर्ति पसंद कर ली है, तो श्रृंगार करके फिर आपको दिखाऊंगी। तो मूर्ति मैंने सेलेक्ट कर ली है, अब मैं पोशाकें सेलेक्ट कर रही हूँ। तो एक ये चुंदड़ी की है, काम की देख सकते हैं, ये अपनी राजपूती पोशाक है, कुर्ती काजली वगैरह। और भी मैं देख रही हूँ अभी, इनमें से जो मुझे सबसे सुंदर लगेगी वो मैं खरीदूँगी। चुके हैं दुकान के अंदर बाहर से, और यहाँ पे सारे जेवर सेलेक्ट हो रहे हैं गवर के, तो ईसर जी के, गवर के। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली है, और भव्या मुझे और भी तरह तरह के दिखा रही है, और बहुत भारी भारी दिखा रही है। चूड़ा ले लिया हमने, हमारा राजपूती चूड़ा लिया है, और साथ में ये सब जेवर। अभी जब ये कटार है देखिए आप, अभी जब हम उनको तैयार करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी। और भी यहाँ पे गोखरू वगैरह चूड़े कड़े जो भी हैं, तो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ अभी, देख रही हूँ कौन से, फिर आपको एक बार पूरी तरह से सजा के दिखाएंगे। तो आप लोग भी इधर आ सकते हैं, देखिए बहुत सारी वैरायटी है, जेवर वगैरह पोशाकें सब उपलब्ध है, तो आके ले सकते हैं। कई लोग कहते थे कि हमको जोधपुर में मिलती नहीं है गवर, और बीकानेर से लाए कि उदयपुर से लाए, तो अब आपको मैंने दिखा दिया। गीता भवन के पास आइए इस दुकान पे, और अपनी सारी चीज़ें सेलेक्ट कीजिए, और आराम से अपनी गवर को घर ले जाके पूजा कीजिए। यहाँ पे हमारी गणगौर की मूर्ति का श्रृंगार हो रहा है, तो पहले ईश्वर जी का श्रृंगार हो रहा है। तो लेडीज फर्स्ट नहीं, यहाँ पे जेंट्स फर्स्ट है, तो आप ये जल्दी तैयार हो जाते हैं ना, ये जल्दी तैयार हो जाते हैं। भव्या का कहना है कि इनके ज़्यादा बहुत चीज़ें नहीं है, लेडीज़ के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इनको पहले करके बिठा देंगे। तो देखिए अब भव्या इनको साफा वाफा लगा रही है, और ड्रेस देख सकते हैं आप। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हमारे ईश्वर जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। ये देखिए ईश्वर जी, देखिए आप रेडी हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए, तैयार खड़े हैं, और हमारी गौरा का यानी कि हमारी गौर माता का इंतज़ार कर रहे हैं। शिव पार्वती के प्रतीक होते हैं ये, तो इनको पहले तैयार कर दिया।
तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और दुकान की सबसे सुंदर ड्रेस मैंने खरीदी है, बरी की ड्रेस, और गहने भी मैंने चुन के और अपनी चॉइस के अनुसार लिए, तो आप देख सकते हैं। और मूर्ति भी मैंने बड़ी साइज़ के लिए और यहाँ पड़ी है देखिए छोटी, तो मैंने अपने हिसाब से लिए। शायद यहाँ पे जो भी ड्रेस है उन सबसे सुंदर लग रही है। तो अभी जब हमारे गौरा जी तैयार हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊँगी। हमारी गवर और ईसा देख लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। और दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी, और ड्रेसेस और गहने वगैरह पहन के भव्या ने उनको तैयार कर दिया है, उनकी मम्मी ने भी उनकी सहायता की, तो दोनों ने बिल्कुल अच्छे से इनको रेडी कर दिया है। तो आ चुके हैं गीता भवन में, गीता भवन के पास ही दुकान है, और गीता भवन के मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। और जिनकी दुकान है वो पंडित ही है, यहाँ की पूजा कराते हैं, और उनकी बेटी। तो हमारी गवर ईसर को मंदिर में ले जाके उनको दर्शन के दर्शन करा के घर ले जाओ, मैंने कहा चलो इनको भी दर्शन करा देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति है। मूर्तियों की गहने कपड़े सारे सजावट ये भव्या है, और इसके मम्मी और सब पूजा वूजा करते हैं, पापा मम्मी सब वो लोग करते हैं। 52 मूर्तियाँ हैं पूरे मंदिर में, तो सबकी सारे सजावट करते हैं, देखभाल करते हैं, पूजा भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई और सुंदर मूर्तियाँ, और एकदम सजावट बिल्कुल बहुत अच्छी है। आगे हैं कि वो पहले आके मंदिर में बैठ गए हैं और फिर अब इनको हम घर ले जाएंगे, तो मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। ये हमारा गीता भवन है, यहाँ ज़रूर पधारे। हमारा गीता भवन 1969 में बना था, ये हमारे गीता भवन स्वामी जी ने बनाया था। हमारे यहाँ पे उनकी समाधि भी है, हमारा ये मंदिर है। अब इस मंदिर के अंदर हमारे यहाँ पे 52 मूर्तियाँ हैं कंप्लीट, इनका सारा गहना श्रृंगार सब कुछ हमारा करा गया है। मेरे पिताजी है जो कि यहाँ के पुजारी हैं, उससे पहले मेरे दादाजी थे पंडित किशोरी लाल जी जोशी, अभी है विष्णु जोशी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चक्रधारी भगवान विष्णु का रूप है, और आप देखिए चक्र कितना अच्छा चमकता हुआ सब घूमता हुआ है, तो सुंदर लग रहा है। मंदिर के दर्शन हो गए और भव्या जल रही है, अब गवर को लेके गाड़ी में बिठा के घर जाएंगे इनको लेके। तो चले अब मंदिर के दर्शन तो करा दिए, अब घर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं घर पे पहुँच गए, और किस तरह से मैं बच्चों की तरह गणगौर और ईसर को लेके आई हूँ माए घर पे, दोनों को एक एक हाथ पे सहारा देके बिठाए हैं। भाई श्रृंगार नहीं उतर जाए, गुड़ नहीं जाए, इनको संभाल के लाई हूँ, अब इनको घर के अंदर लेके चलते हैं।
गवर ऋषभ घर पे पधार गए हैं और इनका स्वागत कर लिया। अब गणगौर के दिन इनकी पूजा करेंगे, तब इनको विराजमान कर देते हैं।